एलोवेरा में ये मिला के लगा लो और सुबह तक पाओ गोरी निखरी बेदाग त्वचा। अप्लाई एलोवेरा जेल एंड गेट क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस ग्लास स्किन एंड रिमूव डार्क स्पॉट्स। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो आज मैं आपके साथ एक कैफीन सीरम शेयर करने वाली हूँ जो कि हम बनाएंगे एलोवेरा जेल से। आपने मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल सीरम सुने होंगे, कैफीन सीरम सुने होंगे जो कि हमारी स्किन से सनटैनिंग को हटाता है, डार्क स्पॉट्स डार्क सर्कल्स को हटाता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन से फाइन लाइंस रिंकल्स को हटाता है। बट वो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। पर जब हम घर पर ही बना सकते हैं तो हम बाहर से क्यों खरीदें। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें साफ खाली बाउल। आपके पास कोई भी क्रीम हो जो ख़त्म हो चुकी है, उसका कंटेनर हो, डिब्बी हो, उसे अच्छे से वॉश करके आप उसे सुखा के इसमें ये क्रीम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब आप उसे एक हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। और आई वुड रिकमेंड अगर आप कोई सीरम्स बनाते हैं, कोई क्रीम्स बनाते हैं, तो आप मार्केट वाले एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल, क्योंकि हर जगह अवेलेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है रीजनेबल मिल जाता है, मतलब सही होता है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना के क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, अगर आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है, आपके चेहरे पे डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि आप इसे बना के आराम से 2 से 3 महीने बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट्स को हटाता है, झुर्रियों को हटाता है, स्किन से जो जितने भी काले दाग धब्बे हैं उसे हटाता है, इवन टोन करता है और स्किन को एक नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून एलोवेरा। अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड वो है हमारा इसका इस रेमेडी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, वो है हमारा कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन, जी हाँ, जो कि हमारे चेहरे से जितने भी टैनिंग है, डार्क सर्कल्स हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स हैं, उसे दूर करता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्पॉटलेस बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। अगर आपकी स्किन पे कहीं कहीं जगह पोर्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, मतलब स्किन पे कुछ ना कुछ परेशानी है, तो आप वो सब हटा के आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चिकना बनाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को इवन टोन भी करता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेस्कैफे, जो 10 रुपये का पैकेट आता है। आपको बिल्कुल फाइन पाउडर, मतलब एकदम बारीक पाउडर चाहिए, क्योंकि हम इसे फेस पे बना के लगाएंगे और एक सीरम की कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ही अपना कॉफ़ी पाउडर। अब जो फ्रेंड हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। दोस्तों बादाम का तेल क्या करता है, हमारी स्किन से फाइन लाइंस रिंकल्स झुर्रियों को आने से रोकता है। और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, अपने चेहरे की मसाज करेंगे इसे रोज, तो आपकी एज डिले हो सकती है और आपके चेहरे पे 40 से 50 साल की उम्र में भी रिंकल्स झुर्रियां फाइन लाइंस रिंकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरह से एंटी एजिंग ऑयल है। यहाँ मैं हमदर्द का ले रही हूँ बादाम का तेल। आपके पास कोई भी हो आप बादाम का तेल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी बादाम का तेल, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 चम्मच डालें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप 1/2 से भी 1/2 जो है चम्मच, यानी कि 6 से 7 ड्रॉप्स आप इसमें बादाम के तेल की यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी लास्ट में 1 विटामिन ई की कैप्सूल। जी हाँ, विटामिन ई की कैप्सूल भी हमारे चेहरे से फाइन लाइंस रिंकल्स झुर्रियों को आने से रोकता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, टाइट करता है और हमारे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा चमकदार भी बनाता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 विटामिन ई की कैप्सूल। आपको विटामिन ई की कैप्सूल कहीं भी केमिस्ट पे मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। 40-50 रुपये की 10 कैप्सूल आती है और ये बहुत ज़्यादा हम अपने बालों की और स्किन की केयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ों को आपको कर देना है अच्छे से मिक्स, ये आपका इस तरीके का सीरम रेडी हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं, मेरे पास एक कांच का कंटेनर है, इसी में मैं सारे सीरम्स लोशंस क्रीम्स जो भी बनाती हूँ मैं इसी में स्टोर करती हूँ। तो यहाँ इसी में इसको अच्छे से स्टोर कर दूँगी।
अब जो हमारा अब हमें क्या करना है, इसको हम 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हैं। अब इसको कैसे लगाना है अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सीरम तैयार है और ये थोड़ा सा मेरा जो बाउल जिसमें मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, तो हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें काफ़ी सारा है जो कि एक टाइम के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर दें। आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं या कच्चे दूध से अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करें। बाद आपको थोड़ा थोड़ा ये सीरम अपने हैंड्स पर लेना है इस तरीके से, और डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पर इसको लगाना है। इस तरीके से आपको डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पे इस तरीके से लगाना है, और सर्कुलर मोशन में आपको करनी है मसाज इस तरीके से। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, काले दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस है, उसको दूर करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चिकना कर देगा, बेबी सॉफ्ट बना देगा। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपको करनी है 1 मिनट तक इस तरीके से मसाज। अब आप इसको मैंने मसाज करी है और पूरी नाइट यानी कि पूरी रात आपको इसको ऐसे ही रख देना है। अब अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इश्यू है, आपके आंखों के आसपास फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, तो आप इसको एक तरह से पतली लेयर एज अ आई मास्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने लगाया है मैं इसे वाइप नहीं करूँगी, साफ नहीं करूँगी, अपना चेहरा नहीं धोऊँगी, इसे मैं ओवरनाइट अपने चेहरे पे लगी रहने दूँगी ताकि इसके मुझे और भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये फिंगर होती है ना, ये वाली, इसका प्रेशर कम होता है और हमारी आँखों की स्किन के नीचे जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। तो इसे हम थोड़ा सा अपने आँखों के नीचे लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे और हम करेंगे बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज इस तरीके से। एक मोटी सी आपको लेयर लगानी है। मैंने अपनी आँखों के नीचे मसाज की थी इस रिंग फिंगर से। अब आपको क्या करना है, इसके बाद एक और मोटी लेयर आपको आँखों के नीचे लगा देनी है। अगर आपकी आँखों के नीचे सूजन है, डार्क सर्कल्स हैं, रिंकल्स हैं, पफीनेस है, तो आप इसे ऐसे मोटी लेयर लगाएं, तो ये आपके आई मास्क की तरह भी काम करेगा। क्योंकि मार्केट में आई मास्क लेने जाएंगे तो भैया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप अपनी आँखों के ऐसे एक थिक लेयर इसको लगा दें, और आपको ये भी लगाएंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और आपकी आँखों के नीचे आपको ठंडक ठंडक सी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा कूलिंग कूलिंग लगेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी रात ऐसे ही सो जाना है और अपनी इसको ओवरनाइट इसे वर्क करते रात आपको सोना है और इसको अपने आँखों के नीचे वर्क करते देना है। रोज आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चमक उठेगी आपकी स्किन, और आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। और जितने भी आपके चेहरे की परेशानियाँ हैं ना, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, आपकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं, रिंकल्स और झुर्रियाँ हैं, सब दूर हो जाएंगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और आपको अपने चेहरे से प्यार हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर लगाना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी करना। सो मैं आपसे मिलती हूँ और भी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन फ्रेंड, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।